नमस्कार मित्रों, मैं विनय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक अंधी औरत थी और उसका एक बेटा था। वो बेटा जब वो लड़का उसका लड़का जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो उसको सारे बच्चे अंधी का बेटा करके बुलाते थे। तो वो बच्चा जो था वो अपनी माँ से बड़ा चिढ़ता था। उसको इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता था कि उसको लोग अंधी का बेटा कहते हैं, उसकी माँ अंधी है इसलिए वो अंधी का बेटा बोला जाता है। इसलिए वो चिढ़ता था, अपनी माँ से भी चिढ़ता था। वो जहाँ जाता था तो उसको लोग अंधी का बेटा कहते थे। तो वो अपनी माँ से इतना चिढ़ता था कि वो अपने माँ को अपने साथ कहीं ले भी नहीं जाता था। जो अंधी औरत थी वो अपने बच्चे को पढ़ लिख के वो बड़ा अधिकारी बन गया और शहर में बंगले में रहने लगा। दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो अपने साथ अपने माँ को नहीं रखता था क्योंकि उसकी बदनामी होगी। बहुत दिन बीत जाने के बाद बूढ़ी औरत पहुँचती है उसके बंगले में। तो गार्ड गेट पे खड़ा रहता है। गार्ड से वो कहती है कि बेटा आपके साहब से हमें मिलना है, थोड़ा मिला दो। तो गार्ड अंदर आता है। अंदर वो लड़का रहता है, बालकनी से वो देख लेता है कि उसकी माँ मिलने आई है। लेकिन फिर भी वो कहता है गार्ड से कि जाके बोल दो साहब घर पे नहीं हैं। लड़का ये सोच रहा था कि अगर वो आएगी घर पे तो जब लोगों को पता चलेगा कि वो उसकी माँ है तो उसकी फिर से बदनामी होगी। इसलिए वो ऐसा कह देता है गार्ड से कि जाके बोल दो कि वो घर पे साहब घर पे नहीं हैं, बाद में आना। तो गार्ड जाके बोल देता है बूढ़ी औरत से कि साहब घर पे नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। थोड़ी देर बाद वो लड़का वो अपनी कार में बैठ के बाहर जा रहा होता है। तो गेट के बाहर जैसे ही निकलता है तो देखता है कि सड़क पे एक जगह भीड़ लगी हुई है। तो रुक के देखता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो गया होता है और वो उसकी माँ रहती है। वो लड़का दौड़ के उसके पास जाता है, देखता है उसकी माँ मर गई होती है। और उसके हाथ में एक कागज़ रहता है, उसकी मुट्ठी में एक कागज़ रहता है। जब वो कागज़ निकाल के पढ़ता है तो उसके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। लड़का ये कहता है कि अरे मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। उस कागज़ पे लिखा था बेटा जब तू छोटा था ना तो खेलते वक्त तेरे आँखों में सरिया घुस गया था, तो जिससे तू अंधा हो चला था। तो मैंने अपनी दोनों आँखें तुझे डोनेट कर दी ताकि तू इस दुनिया को देख सके। अंधा तू था, तेरी आँखों के लिए तू दुनिया को देख सके, इसलिए मैं अंधी हो गई। लड़का बोला कि कैसा पाप कर दिया मैंने, इस पाप के लिए तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। जिसकी आँखों से मैं देख रहा हूँ उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, जिसकी आँखों से मैं देख रहा हूँ उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया। मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि वक्त रहते ही हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए, लोगों की कदर करनी चाहिए। उनके जाने के बाद वो वापस नहीं मिलते हैं, केवल पछतावा ही रह जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हम आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मिला करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।